दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात संकेत कौशिक शनिवार रात 9:30 बजे राजौरी फ्लाईओवर के पास ड्यूटी कर रहे थे। वहीं अज्ञात वाहन ने उनको तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। वहीं उनके इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं उनके निवास वसंत इनक्लेव में भी मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग या उनके आस पड़ोस के लोग, उनको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि संकेत कौशिक की मौत इस तरीके से हो जाएगी। वहीं उनका पार्थिव शरीर लोधी गार्डन पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और वहीं पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं कैमरा पर्सन दौलत शर्मा के साथ कशिश की रिपोर्ट। ट्रैफिक एसीपी संकेत कौशिक की मौत के बाद उनके निवास स्थान वसंत इनक्लेव में आस पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार, साथ ही साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कई अधिकारी उनके निवास स्थान पर पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर को वसंत इनक्लेव से ले जाकर लोधी कॉलोनी में उनका अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के वसंत इनक्लेव की, जहां पर आपको बता दें ट्रैफिक एसीपी की सड़क हादसे में मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुँचा था। उसके बाद घर से लोधी कॉलोनी के लिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में देख रहे हैं उनके परिवार के लोग हैं, साथ ही साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, वो सभी लोग उनके घर पर पहुंचे। आपको बता दें शनिवार रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब सड़क हादसे में एसीपी ट्रैफिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके घर पे उनके दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में 100 की खबर पहुंची, जिसके बाद से उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं वसंत इनक्लेव की, जहां पर उनका पार्थिव शरीर जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं सबके साथ अब उनका पार्थिव शरीर लोधी कॉलोनी जा रहा है। वहीं इस पूरी घटना के बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि एसीपी ट्रैफिक संकेत की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी थी, वो उस समय ड्यूटी पे थे जिस वक्त ये पूरी घटना घटी थी। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है। ऐसी सड़के चार तीन लड़के बच्चे हैं, एक लड़का दो लड़की। एक लड़की बाहर रहती है, वो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है वो नहीं करे। अच्छा, आप लोगों को पता चला कि उनके साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसी घटना हुई, कब पता चला? मुझे तो सभी मालूम पड़ा। व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो अच्छे थे, किसी से यहाँ पे मतलब किसी से तो तुम्हें में मतलब किसी से कोई शिकायत नहीं। कितने सालों से यहाँ पे रहते थे? यहाँ पे 20 साल से। ठीक।